सो हेलो प्यारे बच्चों, माय नेम इज विजय और दोबारा से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर। आप सभी को पता है कि यार अब ये वीडियो इसलिए इम्पोर्टेंट होने जा रही है, ये स्पेशली वीडियो ऑन डिमांड पेरेंट्स के और बच्चों के उस पर बनाई जा रही है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि 10th एंड 12th के बच्चे जो भी मई में जाके एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए क्रिटिकल कंडीशन फंसी हुई है बहुत ज़्यादा, कि क्या सही मायने में ये जो सिचुएशन देश के अंदर चल रही है इसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं मई के अंदर 10th एंड 12th के बच्चों के लिए एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। तो सीबीएसई बोर्ड अभी इतने टाइम पीरियड से आपको पता है कितने सारे चेंजेस कर रही है इस मंथ में, उसने बहुत कुछ चेंजेस करे हैं जिसके अपडेट आपको हम अपने वीडियो के अंदर देने की कोशिश करते ही रहते हैं। जो जो चीज़ें अपडेट होती जा रही है, पहले डेट शीट चेंज करी उन्होंने, उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम की चीज़ें चेंज करी, उसके बाद आप क्या कहते हैं ट्रांसफर के लिए भी अर्जी दे सकते हो, वहाँ पर प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हो, एग्जाम सेंटर भी चेंज करने की आपको क्या कहते हैं पूरी तरीके से छूट दे दी सीबीएसई बोर्ड ने। ये हालांकि ऐसे चेंजेस सरकार ने और सीबीएसई बोर्ड ने कभी भी नहीं करे थे, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से, बढ़ते कोरोना के प्रकोप की वजह से फाइनली सरकार को इतने अहम डिसीजन लेने पड़ रहे हैं। सो दोस्तों, मैं विजय ई पाठशाला के चैनल पे आज ये वीडियो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के डिमांड पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड मुझे लगता है कि बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनकी लाइफ के लिए इतना सीरियस नहीं है। क्योंकि अभी रिसेंटली न्यूज़, आज 7 तारीख है और ये न्यूज़ कवर करी गई है DNA के द्वारा। DNA एक न्यूज़ चैनल है जिसमें बताने की कोशिश करी गई है कि स्टूडेंट और पेरेंट्स की जो डिमांड है, वो डिमांड यही है कि उनके एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल होने चाहिए। मतलब स्थिति इतनी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है कि कितने राज्यों के अंदर आप देख सकते हो लॉकडाउन लग चुका है। तो यहाँ पे कितने राज्यों के अंदर लॉकडाउन लग चुका है, एंड देन फाइनली यहाँ पे सरकार भी घुटने टेक चुकी है। कई राज्यों के अंदर लॉकडाउन लग गया है, आपको पता है महाराष्ट्र में लग गया है, तमिलनाडु में लग गया है, उत्तर प्रदेश में लग गया है, लेकिन सीबीएसई जो बोर्ड है वो बच्चों के एग्ज़ाम लेके ही रहेगी। और उन्होंने ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बता दिया है, बिल्कुल फैक्ट बता दिया है कि वो एग्ज़ाम लेगी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि एग्ज़ाम उन्हें नहीं लेने चाहिए, क्योंकि बच्चों की जब जाके ही पता चलेगा कि सही मायने में बच्चे कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे। लेकिन सीबीएसई बोर्ड को भी फिर एक फैक्ट समझना चाहिए, सीबीएसई बोर्ड को फैक्ट इसलिए समझना चाहिए कि जब पेरेंट्स अगर डिमांड कर रहे हैं कि कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम ड्यू टू कोविड केसेस, अगर कोविड केसेस की वजह से सरकार क्या कहते हैं बच्चों के एग्जाम ले रही है, तो यहाँ पे क्या सरकार गारंटी देगी इस चीज़ का कि जो बच्चे एजुकेशन सेंटर में, एग्जाम सेंटर में पेपर देने जाएंगे और वहाँ पे किसी कारणवश किसी भी एक बच्चे को कोरोना हो गया और उसके साथ भगवान ना करे कुछ ऐसा हो जाए, तो क्या सरकार उसकी गारंटी लेगी कि उसकी फैमिली को पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी? क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि इतना एग्ज़ाम हुआ, अभी जो 1st to 8th के बच्चों का उन्हें तो ऐसे ही प्रमोट कर दिया गया, 9th क्लास के बच्चों का एग्ज़ाम हुआ नहीं हुआ, किसी का हुआ किसी का नहीं हुआ, 9th क्लास के तो अभी कितने स्कूल ऐसे बच्चे हुए कि जिनका क्लियर ही नहीं हो पा रहा कि क्या कहते हैं एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, बच्चे अभी कश्मकश में चल रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एक सजेशन बस जो मैं देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू, जो खुद पेरेंट्स डिमांड भी कर रहे हैं, वो नहीं चाह रहे कि हमारे बच्चे खतरे में आए, वो सिर्फ इतना डिमांड कर रहे हैं कि सर जैसे कि आपने सभी बच्चों का एग्ज़ाम लिया है, ऑनलाइन लिया है, हालांकि सीबीएसई बोर्ड ने भी बोल दिया है कि वो एग्ज़ाम लेगी ही लेगी, लेकिन अगर उन्होंने एग्ज़ाम लिया है तो क्यों ना वो 4 तारीख को एग्ज़ाम ले ले, है ना। वो ऐसा क्यों नहीं कर सकती है, कि अगर 4 मई को एग्ज़ाम स्टार्ट करने जा रही है तो क्यों ना वो ऑफलाइन एग्ज़ाम ले ले जैसा कि सभी बच्चों का हुआ था। अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए वो इतना उतारू हो रहे हैं कि नहीं यार बच्चे चीटिंग कर लेते थे और क्या कहते हैं उसके बाद उनके अच्छे मार्क्स आ जाते थे, दैट इज़ वेयर 10th एंड 12th के बच्चों को क्या कहते हैं बोर्ड सेंटर में आके ही एग्जाम देना पड़ेगा। तो मैं बस आपसे कहना चाहता हूं कि अगर बच्चे बोर्ड एग्जाम सेंटर में आके एग्जाम दे रहे हैं तो सरकार को सबसे पहले इससे गारंटी लेनी पड़ेगी कि वो सारी सुविधाएं उनको दे रखी है, स्कूल जहां पे सेंटर उनका पड़ेगा वहां पे कोविड केसेस उसके बाद नहीं बढ़ेंगे। दूसरा, पेरेंट्स यही चाह रहे हैं कि अगर 1st to 8th क्लास के बच्चों का ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तो क्यों ना हम 10th एंड 12th के बच्चों का भी ऑनलाइन एग्जाम करें।
ऐसा हो सकता है, सीबीएसई चाहे तो ऐसा हो सकता है जिन राज्यों के अंदर सरकार इलेक्शन करवा रही है वहां पे कोरोना केसेस बिल्कुल भी नहीं हो रहे, और जिन राज्यों के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे वहां पे कोरोना केसेस बढ़ रहे। तो ये थोड़ी सी मिथ आपको समझनी पड़ेगी। मतलब सरकार को बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक चमकाना है। तो यहाँ पे मुझे जो गुस्सा आई इस बात से वो यही आई कि बच्चों के सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस आप ये दुआएं दे रहे हैं, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 10th एंड 12th के बच्चों का एग्जाम आप ऑफलाइन लेके ही रहेंगे, जबकि पेरेंट्स ये डिमांड कर रहे हैं कि अपकमिंग एग्जाम जो होने चाहिए वो ऑफलाइन मोड से हटा के ऑनलाइन मोड पे हो जाने चाहिए। अगर वो ऑनलाइन मोड पे हो जाएंगे तो उनके बच्चों की जानें भी बच सकती है। अगर आप इसकी गारंटी ले रहे हैं कि वहाँ कुछ नहीं होगा, तो ऐसा कुछ आपको प्रेस रिलीज करके सभी स्टूडेंट्स को बताना होगा कि हमारी पूरी जिम्मेदारी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा है और ये चीज़ सरकार नहीं बोल रही है, जो बिल्कुल गलत है। तो मेरी गवर्नमेंट से और जो ये व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से अपील है, अगर आप चाहते हैं कि कैंसिल सीबीएसई बोर्ड क्या कहते हैं होना चाहिए, तो भाई आपको आवाज़ उठानी चाहिए। तो पेरेंट्स का यही कहना है कि जिस तरीके से बच्चों के इतने टाइम से एग्ज़ाम, वो मतलब क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही थी, क्लासेस भी प्रॉपर तरीके से हुई नहीं, और हुई भी नहीं हुई, होमवर्क चेक हुआ भी नहीं हुआ, तो सिस्टम चलता रहा। सो दैट इज़ वाई ट्विटर के ऊपर बहुत गंदी तरीके से वायरल हो रहा है कि कैंसल बोर्ड एग्ज़ाम, कैंसल बोर्ड एग्ज़ाम, बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से वायरल हो रहा है कि बोर्ड एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। तो ये चीज़ आप देख सकते हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ट्विटर पे ट्रेंड हो रही है कि नो ऑफलाइन एग्जाम ड्यूरिंग कोरोना केसेस। पेरेंट्स भी कह रहे हैं कि कोरोना काल के अंदर आप रैलियां करवा रहे हैं लोगों से, वहां पे लोगों की जान खतरे में जा रही है, लेकिन स्टूडेंट की जान खतरे में नहीं जानी चाहिए। तो भाई मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद यही है कि जिस तरीके से आपको पता है कि बेबी को देश पसंद है, मुझे अपना देश पसंद है, लेकिन देश में जो स्टूडेंट है, जो आने वाला फ्यूचर है, वो फ्यूचर ही अगर खतरे में हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी हम लोगों को। पेंडेमिक में वैसे भी स्टूडेंट इतना प्रॉब्लम में जी रहा था, और अब क्या कहते हैं उसके एग्ज़ाम अगर आप ऑनलाइन नहीं लेंगे, क्लासेस ऑनलाइन कर दिए पूरी और आप ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं लेंगे और आप गारंटी भी नहीं लेंगे, तो ऐसा तो नहीं चलेगा, है ना। तो गवर्नमेंट ये नहीं होना चाहिए, आप या तो गारंटी ले बच्चों की सुरक्षा का, और या तो अगर आप एग्ज़ाम ले रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम जो है पूरी तरीके से ऑनलाइन ही लेना चाहिए, आपको नहीं तो ऑफलाइन क्लासेस भी करने चाहिए। तो बच्चों को दिक्कत है, तो अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए, जो बच्चे, जो पेरेंट्स, जो स्टूडेंट, जो पेरेंट्स चाह रहे हैं कि भाई क्या कहते हैं एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए, तो उन बच्चों को कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे हैशटैग ट्विटर करके आपको क्या कहते हैं कैंसिल बोर्ड एग्ज़ाम 2020 ट्विटर पे जाके ट्रेंड करना पड़ेगा, जब जाके एग्ज़ाम में सरकार कुछ सीरियस होगी, जब मोदी जी रोजगार दो, मोदी जी गर्लफ्रेंड दो, ऐसे ट्विटर वायरल, ट्विटर ट्रेंड पे आ सकती है चीज़ें, तो आप ये चीज़ें क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपके एक ट्वीट करने से सरकार के कान खड़े हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं जो गवर्नमेंट है उसे बस यही अपील करना चाहता हूँ कि क्लासेस जो है बच्चों की ऑनलाइन हो चुकी है, तो बोर्ड एग्ज़ाम भी ऑनलाइन लीजिए, नहीं तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी अगर आप लेने के लिए तैयार हैं तो आपको प्रेस रिलीज़ करनी चाहिए, जिससे पेरेंट्स भी दिक्कत में ना रहे। तो मेरा मेन मकसद था ये समझाने का, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें ट्विटर पे चल रही है, वायरल हो रही है, जिसकी वजह से एग्ज़ाम सेंटर्स जो है वहाँ पे कोई, मतलब मैंने तो इतने एग्ज़ाम सेंटर जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनका मुझे पता है कि वो जाते हैं, अभी रिसेंटली अगर वो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम सबमिट कराने जा रहे हैं तो वहाँ पे कोई, मतलब क्या कहते हैं, जो डिस्टेंस मेंटेन करने वाला सिस्टम था कुछ नहीं है, लोग बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं, हमें सीरियस होना पड़ेगा। तो इसीलिए सरकार से मेरी यही अपील है कि बच्चों के फ्यूचर से ना खेलें, बच्चों के फ्यूचर से ना खेलें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे यूथ को सही तरीके से मेंटेन करना। तो अगर आप मेरे साथ हैं तो अपना ज़रूर क्या कहते हैं रिस्पॉन्स करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए जहाँ जहाँ तक शेयर हो सकता है ये, और कैंसल सीबीएसई बोर्ड
2020 ये जाके ट्विटर पे आपको हैशटैग ट्रेंड कराना पड़ेगा, जब जाके ही सरकार रमेश पोखरियाल जी जो है वो सीरियस हो पाएंगे। सो वीडियो कैसी लगी जरूर रिप्लाई करिएगा मुझे, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, जितना आप भर सकते हैं उसे भरने की कोशिश करिए। आप चाहते हैं कि मैं आपकी आवाज़ सरकार तक पहुँचाऊँ तो मेरा साथ ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो को शेयर करके। दिस इज इट इन दिस वीडियो।